नमस्ते, वेलकम टू क्रिएटिव फैशन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू माय ऑल सब्सक्राइबर्स टू योर लव एंड सपोर्ट। हमारे चैनल के वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे, इसीलिए सबसे पहले हमारे वीडियो के नीचे दिखाए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही में पास के बेल के बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। नमस्ते, आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे फ्लेयर्ड प्रिंसेस कट कुर्ती का स्टिचिंग। इसका कटिंग का वीडियो हमारा अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप पहले वो देख लीजिएगा ताकि ये पूरा ट्यूटोरियल आपको समझ में आ जाए। तो पिछले वीडियो में हमने फ्रंट के 3 पैनल्स और बैक के 3 पैनल्स कट किए थे। तो सबसे पहले हम फ्रंट का पैटर्न रेडी करेंगे। उसके लिए हमें देखो ऊपर से होते हुए नीचे तक सिलाई लगाते जाना है, यहाँ पर भी ऊपर से होते हुए नीचे तक सिलाई लगाते जाना है। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट का पैटर्न रेडी करेंगे। तो फ्रंट में हमारे 3 पैनल्स है और बैक साइड में हमारे 3 पैनल्स है। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट का सेंटर पैनल लिया है, यहाँ पर मैंने साइड पैनल रख दिया। अब इस साइड पैनल को हमें आर्म होल से होते हुए, ये देखो यहाँ पर हमारा आर्म होल होता है, यहां से होते हुए हमें स्टिच लगाना है। ये हमारे फ्रंट का पैनल है और ये साइड का पैनल है। तो फ्रंट का सेंटर पैनल को मैंने साइड का पैनल ले लिया ज्वाइंट करने के लिए और ऊपर से होते हुए आधा इंच यानी हाफ इंच सिलाई मार्जिन लेंगे और यहां पर हम स्टिच करेंगे। ना ही हमें आधा इंच से ज्यादा सिलाई मार्जिन लेना है और ना ही हमें कम लेना है, हाफ इंच सिलाई मार्जिन रखना है। तो एक पैनल ज्वाइंट हो चुका है, यहां पर ये आर्म होल हमें दिख रहा है। अब इस साइड का पैनल हम ज्वाइंट करेंगे। तो मैंने इस साइड का भी पैनल यहां पर ले लिया, ये इस तरह से ज्वाइंट होगा। तो ज्वाइंट करने के लिए इसको ऊपर की तरफ रखना है और यहां से होते हुए हम इस साइड के पैनल को ज्वाइंट करेंगे। तो आपको ये जो पैनल्स है ये ऊपर से होते हुए नीचे तक जाना है, क्योंकि इस प्रकार हमारे फ्रंट के पैटर्न के 2 पैनल यहां पर ज्वाइंट हो चुके साइड में। यहां पर भी हमें आधा इंच सिलाई मार्जिन लेना है यानी हाफ इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। ये हो गया पूरा। अब देखो ये 3 पैनल्स हमारे यहां पर एक दूसरे को ज्वाइंट हो चुके और ये फ्रंट का पूरा पैटर्न यहां पर रेडी हो चुका। अब यहां पर क्या करना है, देखो ये जो आर्म होल है इसको हमें कट करना है, उसके बाद हम फ्रंट के नेक का कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस पैटर्न को इस तरह से रख देना है, सेंटर में फोल्ड करने के बाद आपको चेक करना है आपका शोल्डर। तो शोल्डर मैंने क्लोज नेक के अकॉर्डिंग यानी कॉलर नेक में जितना रखते हो उतना रखा है, 7 इंच। और यहां पर मैं 0.75 इंच यानी 0.5 इंच ऊपर की तरफ छोड़ूंगी शोल्डर स्लोप का और नीचे की तरफ आर्म होल का मेरा मार्किंग करूंगी, जो कि मैंने 7 इंच पर मेरा आर्म होल का मार्किंग लगाया था। लेकिन जब हम पैनल ज्वाइंट करते हैं तो उसके बाद ये आर्म होल हमारा ऊपर की तरफ चला जाता है, तो इसीलिए इसको फिर से एक बार मेजर करना है और यहां पर हमें फ्रंट के आर्म होल का शेप देना है। तो मैंने इसको अच्छे से 7 इंच पर मार्किंग किया क्योंकि मेरा आर्म होल 7 इंच मैंने लिया था और फ्रंट के आर्म होल का शेप देके इसको कट किया। एक बात ध्यान में रखनी है, शोल्डर स्लोप का मैंने 0.5 इंच ऊपर की तरफ छोड़कर ही आर्म होल का मार्किंग किया है। अब यहां पर मैं 2.25 इंच यानी 2.25 इंच नेक विड्थ ले ली और 4 इंच मैंने तिरछा ले लिया कॉलर नेक के लिए। अगर आप सिंपल नेक बना रहे हो तो आप सिंपल नेक के लिए 6 से 7 इंच आगे की तरफ मार्किंग करके फ्रंट नेक बना सकते हो। अब इस फ्रंट में हम पैटर्न बनाएंगे। तो पैटर्न बनाने के लिए मैंने यहां पर फ्यूजिंग पेपर लिया है, इसकी विड्थ मैंने 5.5 इंच रखी है फ्यूजिंग पेपर की और इसकी लंबाई मैंने रखी है 9 इंच। अब इस फ्यूजिंग पेपर को मैं बराबर से सेंटर में फोल्ड करूंगी। फोल्ड करने के बाद ऊपर से मैंने 2 इंच पर मार्किंग किया और नीचे मैंने 7 इंच पर मार्किंग किया, 2 मार्किंग मैंने यहां पर लगाए। अब जो नीचे का 7 इंच का मार्किंग है वहां से इस तरह से होते हुए मैं ड्रॉप नेक बनाऊंगी। ड्रॉप मतलब बूंद जो होती है, पानी की बूंद की तरह शेप दे दिया और फिर बाहर की तरफ 1 इंच आउटलाइन ड्रॉ कर दी। अब ये आउटलाइन मैंने ऊपर की तरफ किस तरह से ले ली है देखो, ऊपर की तरफ 1 इंच इस तरह से मैंने स्ट्रेट आउटलाइन खींची है 2 इंच तक,
ये हो गया हमारा नेक का शेप, इसको निकाल देंगे इस तरह से, और इस साइड में हमें ये मार्किंग कर देना है शेप का, इस तरह से थपथपाएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर ये हो जाता है, इसको डार्क कर देंगे। अब मैंने इसको कपड़े के ऊपर इस्त्री की मदद से चिपका दिया है इस फ्यूजिंग पेपर को, और कपड़े को भी मैंने आकार अनुसार कट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं साइड में इस तरह से दो नॉचेस लगाऊंगी, क्योंकि इस पट्टी को हमें फ्यूजिंग पेपर के ऊपर फोल्ड करके राउंड में स्टिच लगानी है। मैंने यहाँ पर स्टिच लगा के ले ली है, आपको इस तरह से स्टिच लगा के लेनी है। अब ये हमारा फ्रंट का पैटर्न है जो कि हमने कॉलर नेक के अकॉर्डिंग कट किया है इसका नेक। इसको मैं बराबर से सेंटर में फोल्ड करूंगी और यहाँ पर सेंटर की लाइन बनाऊंगी। लाइन बनाने के बाद इसको निकाल देंगे। फिर मैंने ये पैटर्न ले लिया, ये पैच ले लिया, इसको भी मैं सेंटर में फोल्ड करूंगी और इसके ऊपर भी मैं सेंटर का निशान बनाऊंगी। ये मैंने सेंटर का निशान बना दिया, इसको मैं चॉक की मदद से डार्क कर देती हूँ। अब ये नीचे का सेंटर की लाइन और पैच के ऊपर की सेंटर की लाइन बराबर से मैच करते हुए मैं यहाँ पर रख दूंगी और इसको पिन लगा के सिक्योर करूंगी ताकि ये स्टिच लगाते समय इधर उधर ना हिले। पिन अप करने के बाद मुझे यहाँ पर एक लाइन खींचनी है, तो देखो ये ऊपर की तरफ जो 2 इंच सीधी लाइन खींची थी उसके साइड में से इस तरह से मैंने एक लाइन निकाली और इस साइड में भी मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई। अब इस लाइन से होते हुए हम स्टिच लगाएंगे इस तरह से। ये जो गैप है ये 1/4 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 1/4 इंच गैप रहेगा इन दो लाइन के बीच में। तो लाइन जहां से खींची है वहां से हम सिलाई को यानी स्टिचिंग शुरू करते हैं। नीचे की तरफ जैसे हमारे नेक का शेप है उसके अकॉर्डिंग स्टिच लगाते जाना है। देखिए हम यहां तक आ चुके हैं, ऊपर की तरफ स्ट्रेट 2 इंच जो लाइन खींची थी वहां पर भी मैंने स्टिच लगा दी। अब सिलाई लगाने के बाद मैंने पिन को निकाल दिया और अंदर की तरफ से हमें कट लगाकर पूरा पोर्शन निकालना है। तो यहां से मैंने सीधा सिंपल कट लगा दिया जहां पर हमने 2 इंच का मार्किंग किया था, और नीचे की तरफ जहां से हमने सिलाई लगाई है स्टिचिंग के बाहर 1/4 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे और बीच का हिस्सा कट कर देंगे। कट लगाने के बाद आपको यहाँ पर नॉचेस लगाने देने हैं जैसे हम हमेशा की तरह नॉचेस लगाते हैं। नॉचेस मैंने लगा के ले लिए हैं। अब इस पट्टी को मैं हल्का सा अंदर की साइड में फोल्ड करूंगी और यहाँ पर पाइपिंग बनाऊंगी। अगर आप पाइपिंग नहीं बनाना चाहते तो आप इस पट्टी को सीधा सीधा पूरी तरह से अंदर की साइड में फोल्ड कीजिएगा और ऊपर से स्टिच कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर हल्की सी पाइपिंग बनाई है। अगर आपको ये पाइपिंग बनाना डिटेल के साथ जानना है तो हमारे हाल्टर नेक वीडियो में पूरे डिटेल के साथ मैंने फ्यूजिंग पेपर जो हमने इस पैटर्न में लगाया है उसकी मदद से पाइपिंग कैसे बनाते हैं वो डिटेल के साथ बताया है, आप वो देख सकते हो। मैंने यहाँ पर पाइपिंग पूरी कर दी है। अब ये पैटर्न हमारा इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ इस पैटर्न के बीच में एक पैच रेडी करना है, तो यहाँ पर मैंने 6x6 इंच का फ्यूजिंग पेपर लिया है, उसको मैंने कपड़े के ऊपर इस्त्री करके चिपका दिया है। अब इसको मैं सेंटर में फोल्ड करूंगी, ऊपर से होते हुए 5 इंच पर यानी 5 इंच पर मैंने एक मार्किंग किया। अब इस मार्किंग के ऊपर 2 इंच पर और एक निशान बनाना है। अब इस निशान देखो इस कॉर्नर से होते हुए उस मार्किंग तक इस तरह से शेप देना है। फोल्ड निकाल देंगे और इस साइड में फिर से एक बार फोल्ड करके इस निशान को इस ओर ट्रांसफर कर देंगे और उसको डार्क कर देंगे। अब जिस कलर के आप पाइपिंग बना रहे हो उस कलर का कपड़ा लीजिए, उसको नीचे की तरफ रखिए और यहाँ पर हमने जो निशान बनाया है नेक के शेप का उसके ऊपर से स्टिच लगा दीजिएगा। स्टिच लगाने के बाद बीच का हिस्सा हम कट कर देंगे, सिलाई के बाहर 1/4 इंच सिलाई मार्जिन रखनी है और कट कर देना है। कट करने के बाद आपको यहाँ पर नॉचेस लगाने हैं।
इस साइड में लेंगे और कपड़े को अंदर की साइड में डालेंगे और यहाँ पर पाइपिंग बनाएंगे। तो इस तरह से कपड़े को अंदर के साइड में डालना है और यहाँ पर हल्की सी पाइपिंग बनाएंगे। ये पाइपिंग बड़ी फिनिशिंग के साथ आती है फ्यूजिंग पेपर की। आप इसको ट्राई कर सकते हो, ये बनाने में ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो यहाँ पर हमने पाइपिंग बना दी। पाइपिंग बनाने के बाद ये जो साइड का कपड़ा है इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और स्टिच लगा देंगे नीचे की साइड से भी और इस साइड से भी। अब ये पैच रेडी हो गया। यहाँ पर फ्रंट पैटर्न लेंगे और इसको पैच को नीचे की तरफ रखेंगे। ऊपर यहाँ 2 इंच जो हमने स्ट्रेट रखा था उसको मिलाएंगे और नीचे की तरफ पैच को एडजस्ट करेंगे। ये जो पैच है ये 2 इंच हमारा इस तरह से रहेगा, 2 इंच हमें ये नीचे की तरफ रखना है और फिर मैं इसको पिनअप करके सिक्योर करूंगी। इसको अच्छे से मिलाना है। देखिए ऊपर की तरफ जो हमने 2 इंच स्ट्रेट रखा है वहां पर ये बराबर से मिलाते हुए पैच को नीचे की तरफ एडजस्ट करके पिनअप कर देना है। अब जहां से पैच है हमारा वहां से हम सिलाई शुरू करेंगे। ये पाइपिंग के साइड से होते हुए हमें ये स्टिच लगानी है और यहां तक हमारा पैच है तो वहीं तक ही हमारी सिलाई लगेगी। अब छोटा सा प्लेकेट बनाना है ऊपर की तरफ, तो उसके लिए मैंने 2.5 इंच इसकी विड्थ रखी है और 4 इंच इसकी लंबाई रखी है इस कपड़े की। इसको इस तरह से मैं फोल्ड करूंगी। फोल्ड करने के बाद यहां से मैं 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए स्टिच करूंगी। ये जो प्लेकेट है ये हमारे कॉलर के नीचे लगेगा और यहां से भी मैंने सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद जिस तरह से हम डोरी को सीधी साइड में फोल्ड करते हैं उस तरह से इस सिलाई को अंदर की साइड में डालेंगे और सीधी साइड में इसको फोल्ड करके लेंगे। सीजर की मदद से इसको अच्छी तरह से सीधा कर दीजिएगा। अब हम फ्रंट का पैटर्न लेंगे। तो ये ज़्यादा लंबा हो गया है तो इसको थोड़ा सा ट्रिम करेंगे और इसको इस तरह से नीचे की तरफ रखेंगे। ये हमारा फ्रंट का पैटर्न है। ऊपर की तरफ हमारी कॉलर लगेगी तो कॉलर के लिए हमें सिलाई मार्जिन छोड़ना है 1/4 इंच और उसके नीचे हमें इस प्लेकेट को लगाना है। तो प्लेकेट को नीचे की तरफ रखेंगे और ऊपर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमारी पाइपिंग के साइड से होते हुए आएगी। तो ये देखो ये प्लेकेट रेडी हो गया हमारा फ्रंट का। प्लेकेट लगाने के बाद हम यहाँ पर 1/2 इंच बाहर की तरफ से पूरे राउंड में हमारे नेक के पैटर्न को सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब आप देख सकते हो ये हमारा फ्रंट का पैटर्न यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसको मैं साइड में रख देती हूँ। अब बैक पैटर्न के तीनों पैनल यहाँ पर बिछा के रखे हैं। सबसे पहले आपको वेस्ट लेंथ का मार्किंग करना है। मेरी वेस्ट लेंथ यहाँ पर 15 इंच पर है तो मैंने 15 इंच पर मार्किंग किया। अब उस मार्किंग के ऊपर 2.5 इंच पर एक मार्किंग करूंगी और नीचे की तरफ भी 2.5 इंच पर एक मार्किंग करूंगी। अब यहाँ सामने भी मैं उसी तरह से मार्किंग करूंगी। ये हो गए हमारे मार्किंग। ये हमारे लुक्स के लिए मार्किंग हम बना रहे हैं। अब ये जो मार्किंग है उसके बीच में भी एक एक और मार्किंग बनाएंगे। तो इस साइड में 5 और इस साइड में 5, यानी दोनों साइड में 5-5 हमारे लुक्स आएंगे। ये डोरी हमने बनाकर ले ली है लूप्स के लिए। इसके मैंने 2-2 इंच के पीसेस किए हैं, यानी 2-2 इंच के पीसेस किए हैं। ये लूप्स हमारे इस मार्किंग के ऊपर यहाँ पर अटैच होंगे। ये लूप्स अटैच हो जाने के बाद हम साइड के जो 2 पैनल हैं वो ज्वाइंट करेंगे। पहले लूप्स को अटैच करना है, उसके बाद ये 2 पैनल अटैच होंगे। तो चलो अटैच करेंगे। यहाँ पर ये हमारी वेस्ट लाइन है। वेस्ट लाइन के ऊपर 2.5 इंच पर मार्किंग किया, नीचे की तरफ भी 2.5 इंच पर मार्किंग किया। अभी दोनों मार्किंग के बीच में भी एक एक मार्किंग किया और सेम इसी प्रकार इस साइड में भी मार्किंग किया। अब ये जो 5 मार्किंग बने हैं उसके ऊपर इस तरह से हम लूप्स लगाएंगे। तो ये लूप्स फोल्ड करके हमें यहाँ पर लगाने हैं और उसके ऊपर से हम सिलाई लेंगे। तो ये जो लूप्स का फेस है ये अंदर की साइड में रहेगा, यानी लूप्स का जो फोल्ड आता है वो अंदर की साइड में रहेगा। और इस तरह से हमने इस साइड में 5 लूप्स अटैच किए। अब इस साइड में भी हमें 5 यानी
पांच लूप्स अटैच होंगे और इस साइड के जो लूप्स है उनका फेस यानी उनका जो फोल्ड होता है लूप्स का वो भी हमारा अंदर की साइड में ही रहेगा। तो इस प्रकार हमने इस साइड में भी पांच लूप्स अटैच कर दिए हैं। लूप्स अटैच हो जाने के बाद ये इस तरह से दिखेगा, ये हमने सेंटर पैनल में अटैच किए हैं। अब हम साइड के पैनल यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। तो सबसे पहले एक साइड का पैनल मैं आपको ज्वाइंट करके दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने ये पैनल ले लिया है, ये साइड पैनल है, इसको हमें ऊपर से यानी आर्म होल की साइड से होते हुए ज्वाइंट करना है। इसको सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखनी है और यहां से हमें शुरू करना है। जिस तरह से हमने फ्रंट पैटर्न में साइड पैनल अटैच किए थे सेम हमें यहां पर भी करना है। ऊपर से होते हुए हम सिलाई लगाते जाएंगे। अब जहां पर हमने लूप्स अटैच किए हैं वहां पर थोड़ा सा हमें केयर करना है कि जो नीचे के लूप्स है उसी के ऊपर से हमारी सिलाई अच्छे से आ जाए। जो हमने लूप्स के ऊपर सिलाई लगाई है उसी सिलाई के ऊपर से हमारी सिलाई आए, ये हम ध्यान में रखेंगे और नीचे की तरफ सीधी स्ट्रेट सिलाई लेके जाएंगे। एक पैनल हमारा यहाँ पर अटैच हो चुका और ये बहुत सुंदर लग रहा है ऊपर की तरफ लूप्स। अब इस साइड का भी मैंने इसी प्रकार पैनल अटैच कर दिया है। तीनों पैनल एक दूसरे को अटैच हो चुके हैं। अब इसको सेंटर में फोल्ड करेंगे क्योंकि हमें फ्रंट की तरह ही इसका आर्म होल भी कट करना है। तो 0.75 इंच यानी पौना इंच ऊपर की तरफ छोड़ना है शोल्डर स्लोप के लिए और नीचे की तरफ आपका जितना भी आर्म होल है वहां पर आप मार्किंग कीजिएगा। मेरा 7 इंच पर था तो मैंने यहाँ पर 7 इंच पर मार्किंग किया। अब ये लाइन स्ट्रेट आगे की तरफ ज्वाइंट कर देंगे और पहले से ही हमारा यहाँ पर बैक आर्म होल का शेप है, बस नीचे की लाइन को ये इस तरह से जोड़ देंगे। इस तरह से आर्म होल का शेप हो गया और कट भी हो गया। कॉलर नेक बनाने के लिए हमने पहले से ही इसको 1/4 इंच कट किया है नेक की ओर। अब लेंगे फ्यूजिंग पेपर। ये फ्यूजिंग पेपर मैंने फोल्ड करके लिया है। इसकी लंबाई है 9 इंच और चौड़ाई है 4.5 इंच। ये फोल्डेड है। अब ऊपर से 1 इंच यानी 1 इंच मार्किंग करेंगे नीचे की तरफ और फिर उस मार्किंग के नीचे 7 इंच पर एक दूसरा मार्किंग करेंगे। अब ऊपर के मार्किंग से नीचे के मार्किंग तक देखेंगे और उसका सेंटर निकालेंगे इस तरह से और वहां पर मार्किंग करेंगे। अब सेंटर मार्किंग से 1 इंच नीचे यानी 1 इंच नीचे और एक मार्किंग करेंगे। यहां पर नेक की विड्थ मैंने 3 इंच रखी है। आप चाहे तो 3.5 इंच यानी 3.5 इंच तक रख सकते हो। अब यहां से इस तरह से शेप देंगे बैक नेक का। ये भी हम ड्रॉप नेक की तरह ही शेप देंगे। इसको खोल देंगे और इस साइड में इस निशान को ट्रांसफर करेंगे इस तरह से। ये डार्क कर देंगे। ये हो गया हमारा ड्रॉप नेक। अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूंगी और इसकी भी आउटलाइन बनाऊंगी। आउटलाइन बनाने के लिए आपको 1 इंच बाहर की तरफ से शेप देना है इस तरह से और इसको कट कर देना है। कट करने के बाद जिस कलर की पाइपिंग में बनाना चाहती हूँ उस कलर का मैंने कपड़ा लिया। अब इस कपड़े के ऊपर मैं फ्यूजिंग पेपर को इस्त्री की मदद से चिपका दूंगी। मैंने इसको आयन करके लिया है। अब मैं इस जो कपड़ा है उसको स्टिच लगा दूंगी। तो मैंने इसको राउंड में स्टिच लगा के कवर कर दिया है। ये हमारे पहले कई सारे वीडियो में हो चुका है ये किस तरह से करना है। अब ये पैच लगाने के लिए रेडी है। तो मैं यहाँ पर बैक का पैटर्न लूंगी, इसको मैं बराबर से सेंटर में फोल्ड करूंगी। अब यहाँ पर मेरा फोल्ड जो है उसकी सीधी साइड अंदर की तरफ चली गई और उल्टी साइड मेरी ऊपर की तरफ आ गई। ये मैंने बाद में नोटिस किया। आपको ये सीधी साइड में सेंटर का निशान बनाना है।
देखो ये मेरा उल्टी साइड पे सेंटर का निशान बन चुका है, बाद में मैंने इसको ठीक किया है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको ये सीधी साइड में निशान बनाना है क्योंकि ये पैच हमारा सीधी साइड के ऊपर ही अटैच होगा। अब इस पैच का भी मैंने सेंटर निकाला और जो हमारे पैटर्न के ऊपर सेंटर है वो दोनों सेंटर एक दूसरे को मैच करते हुए इस पैच को बराबर से यहाँ पर रख देना है। कॉलर के नीचे हमारे 1 इंच डिस्टेंस रहेगा इस तरह से। अब इस पैच के ऊपर से हम स्टिच करेंगे। देखो ये मेरा उल्टी साइड पे अटैच हो चुका है, बाद में जब मैंने ये नोटिस किया तब मैंने इसको निकाल कर सीधी साइड में अटैच कर दिया है, तो आपको ये सीधी साइड में ही अटैच करना है इस पैच को। अब ये हो जाने के बाद मैंने पिन निकाल दिए। अब ये जो सेंटर में आपको इस तरह से कट करना है, और कट करने के बाद आपको ये बीच का जो पूरा पोर्शन है वो कट कर देना है। अब ये जो आप कटिंग करोगे ये आपके सिलाई के बाहर 1/4 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ना है और फिर इसको कट कर देना है। मैंने इसे कट कर दिया। अब आपको नॉचेस लगा के लेने हैं। आप देख सकते हो मैंने इसको सीधी साइड में फिर ले लिया है पूरी सिलाई निकाल कर। यहाँ पर मैंने नॉचेस लगाए हैं। नॉचेस लगाने के बाद आपको यहाँ पर पाइपिंग बनानी है, तो आप इस तरह से इसको फोल्ड करके पाइपिंग बना सकते हो। अगर आपको पाइपिंग नहीं बनानी है तो आप सीधा सीधा इसको अंदर की साइड में फोल्ड कीजिएगा और ऊपर की तरफ से सिलाई लगा दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर पाइपिंग बना रही हूँ इसीलिए मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी, और यहाँ पर अच्छे से पाइपिंग बन जाती है तो मैं पाइपिंग के साइड से होते हुए स्टिच लगाऊंगी। अगर आपको पाइपिंग देखनी है, अगर आपको यहाँ पर देखने से समझ में नहीं आ रहा तो आप हमारा अल्टरनेट वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल के साथ बताया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देती हूँ। तो देखो इस तरह से हमें पाइपिंग बनाते हुए स्टिच लगाते जाना है। तो यहाँ पर मैंने पूरी पाइपिंग कंप्लीट कर दी है और ये पूरा नेक यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा। अब हम यहाँ पर शोल्डर अटैच करेंगे। बैक और फ्रंट दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। ये हमारा फ्रंट पैनल है, इसके ऊपर मैंने ये बैक का पैनल रख दिया, बैक का पैटर्न रख दिया। सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखेंगे और ऊपर की तरफ से हम शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। दोनों शोल्डर ज्वाइंट हो चुके हैं। यहाँ पर आप डबल सिलाई ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर डबल सिलाई ले ली है। शोल्डर ज्वाइंट हो जाने के बाद यहाँ पर हमें कॉलर अटैच करनी है। कॉलर अटैच करने के लिए आपको इस तरह से इसको पकड़ना है नेक को और मेजर करना है। बराबर से रखेंगे बैक और फ्रंट दोनों मिलाते हुए, और इस तरह से आपको मेजर करना है कॉलर के लिए। तो यहाँ पर मेरी कॉलर यहाँ पर आ रही है 7.75 इंच यानी 7.5 इंच, तो उसका डबल होता है मेरा 50.5 इंच। तो मैंने 50.5 इंच की कॉलर यहाँ पर अटैच कर दी है, और यहाँ पर देखो बैक साइड में एक इस तरह से अटैच हो गई है और फ्रंट साइड में। कॉलर अटैच हो जाने के बाद साइड में मैं स्लीव को अटैच कर दूंगी। यहाँ पर मैंने आपको कॉलर इसीलिए नहीं बताया क्योंकि पहले के हमारे कई सारे वीडियो में कॉलर का अटैच करना हमारा हो चुका है। स्लीव अटैच करने के बाद मैंने यहाँ पर फिटिंग का मार्किंग किया है, तो आपको यहाँ पर किस तरह से फिटिंग का मार्किंग करना है, तो यहाँ पर चेस्ट का 1/2 प्लस उसमें 1 इंच लूजिंग छोड़ के मैंने मार्किंग किया, नीचे की तरफ फुल बस्ट का 1/2 किया और वहां पर मार्किंग किया फिटिंग का, यहाँ पर वेस्ट का 1/2 किया उसमें 1 इंच लूजिंग लेके मार्किंग किया, और नीचे की तरफ हिप जितनी है उसका 1/2 किया और 1 इंच लूजिंग लेके मार्किंग किया, और उसके नीचे बस स्ट्रेट नीचे तक लाइन को खींच देंगे। हिप लाइन तक ही फिटिंग का मार्किंग किया है, उसके नीचे स्ट्रेट नीचे सिलाई लेके जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर सिलाई ले ली है। सिलाई लेने के बाद इसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया,
फिटिंग की स्टिच मैंने ले ली है और इस तरह से फोल्ड करके नीचे की तरफ जो अनइवन हो जाता है यानी ऊपर नीचे कपड़ा होता है उसको हमें इवनली कट करना है। तो आप हल्का सा कर्व बना दीजिएगा नीचे की तरफ और इसको कट कर दीजिएगा। ये बस देखते ही हमें समझ में आ जाता है ये कर्व हमें किस तरह से करना है। तो ये मेरा अच्छे से हो चुका नीचे का घेरा। अब हमें बॉटम में इस तरह से बाय स्ट्रिप अटैच करने हैं। तो जो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा का लिया था बाय स्ट्रिप के लिए, तो वो मैंने बाय स्ट्रिप कट करके एक दूसरे को ज्वाइंट करके ले लिए हैं। ये किस तरह से ज्वाइंट करने हैं इसका वीडियो भी हमारा अपलोडेड है, अगर आपको नहीं पता तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, देख लीजिएगा। इस पट्टी को इस तरह से हमें फोल्ड करना है। ये जो बाय स्ट्रिप है ये मैंने 3 इंच विड्थ की ले ली है यानी 3 इंच इसकी चौड़ाई होगी। इस पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और ये जो कुर्ती का बॉटम है हमारा ये उल्टी साइड है, तो उल्टी साइड से होके इस पट्टी को डबल फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगाना है। तो ये हमने यहाँ पर 1/4 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए इस पट्टी को बॉटम में अटैच करना है। उल्टी साइड में ये पट्टी हमारी अटैच होगी। तो ये पूरे राउंड में नीचे का जितना भी घेरा है उस घेरे को इस तरह से हम अटैच करेंगे। अगर आप ये पट्टी नहीं लगाना चाहते तो आप डबल फोल्ड भी करके भी बॉटम रेडी कर सकते हो या पिको करके भी रेडी कर सकते हो, लेकिन ये पट्टी लगाने से इसका जो लुक है वो अच्छे से आ जाएगा। तो मैंने यहाँ राउंड में ये पट्टी अटैच कर दी है, मैं इसको यहाँ पर कट करूंगी। अब कुर्ती को सीधी साइड में ले लेंगे। ये मैंने इसको सीधी साइड में लिया। अब ये जो पट्टी है इसको ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें स्टिच लगानी है। तो ये पूरे फिनिशिंग के साथ ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाती है क्योंकि ये बायस होती है। इसको हम ऊपर की साइड से अब किनारे से होते हुए सिलाई लगाएंगे। ये बहुत अच्छे से बॉर्डर बन जाती है यहाँ पर। जहां पर आपको लग रहा है कि सिलाई मार्जिन हमारा एक्स्ट्रा हो गया है और ऊपर की तरफ दिख रहा है तो आप उसको कट कर सकते हो। इस तरह से ये पूरी फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी यहाँ पर अटैच हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर सिलाई मार्जिन मैंने कट किया क्योंकि कहीं पर ज्यादा कम हो जाता है, तो आप उसको कट कर दीजिएगा और ऊपर से पट्टी को फोल्ड कीजिएगा। तो जहां पर हम साइड फिटिंग करती है तो साइड फिटिंग के बॉटम, जहां पर हम साइड फिटिंग करते हैं उसके बॉटम में आप 1/2 इंच तक नीचे की सिलाई निकाल दीजिएगा और वहां से पट्टी को लगाना शुरू कर दीजिएगा और वहीं पर आपके पट्टी का एंड हो जाएगा। ये फुल पट्टी हो जाने के बाद आप वहां पर फिटिंग कर दीजिएगा। अब देखो ये पूरे बॉटम में हमने पट्टी लगा दी है। अब आते हैं इस लूप्स की ओर। ये जो हमने लूप्स बनाए हैं यहाँ पर हमें डोरी इंसर्ट करनी है, तो मैंने यहाँ पर डोरी बना के ले ली है। डोरी बनाने का वीडियो भी हमारा अपलोडेड है, आप देख सकते हो। इस डोरी को हमें इस लूप्स के अंदर डालना है। तो ये जो दो नोक है डोरी के मैंने ऊपर की तरफ से इस तरह से लूप्स के अंदर डाल दिए। अब हमें क्रिस क्रॉस करते हुए इस डोरी को इस तरह से लूप्स के अंदर डालना है। तो देखो मैंने वीडियो में दिखाया है ये किस तरह से हमें लूप्स के अंदर डालना है। ये मैं डाल देती हूँ, मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और डोरी और लूप्स की मदद से कुर्ती को हटके लुक भी मिलेगा और फिटिंग भी हमारी अच्छे से आ जाएगी। अब देखो ये फ्रंट का पैटर्न है। नीचे की जो प्लैकेट है यहाँ पर हमें हुक्स लगाने हैं और प्लैकेट के ऊपर हमें आई बनाने हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा प्लैकेट बन जाएगा और हटके लुक भी मिलेगा। तो ये पूरी कुर्ती हमारी रेडी हो चुकी है। यहाँ पर ये बहुत ब्यूटीफुल लग रही है और फिटिंग में भी ये बहुत अच्छे से आती है। बच्चों से होते हुए बड़ों तक आप ये कुर्ती पहन सकते हो। अगर आप फैट हो तो आप इस कुर्ती की लेंथ थोड़ी ज्यादा रखिएगा, इससे आपका बहुत अच्छा लुक आएगा। अगर आप स्लिम हो तो भी ये कुर्ती आपके ऊपर बहुत जचेगी। तो आपको अगर कोई डाउट्स रह जाते हैं इस कुर्ती कटिंग और स्टिचिंग में तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ये कैसी बनी है। और लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। धन्यवाद।